वेलकम बैक केसी जी आप लोग की स्वागत है। मैं आपका भाई इरा खान। आज हमारा ब्लॉग देख रहे हैं गाड़ी का ब्लॉग बनाने का मकसद ये है भैया, हम अपनी किट लगाते कुछ अलग है, हटके हर कंपनी लगाती है हटके, हम उससे भी लगाते हैं हटके। तो एक किट देखें हम किस हिसाब से लगाते हैं गाड़ी के अंदर। CNG को इंस्टॉल करने का एक एक मूवमेंट हम आपको बताते हैं, जो वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हम इसके अंदर गाड़ी की वायरिंग छोड़ी, इसके हमने वायरिंग करी और इसके ये वायरिंग स्टार्ट कर दी है। ये हमारा ACB की वायरिंग और ये डायनामिक की वायरिंग है, और डायनामिक हम लगा रहे हैं अपना K-Gas का। ये आप देख सकते हैं K-Gas का फुली इंपोर्टेड के साथ में काम है, पानी तक इसकी 6 मंथ के अंदर गारंटी है। अब हम इसमें लगा रहे हैं मटेनो की किट, जो ये ब्लैक कलर का ACU है इसका मटेनो का, प्लस एक छोटा सा स्मार्ट सा अपना रेड्यूसर है मटेनो का, आप देख सकते हैं, प्लस ये रेल इंजेक्टर है मटेनो का, प्लस ये फिलिंग बाल है कामनाथ का, जो कामनाथ फिलिंग बाल लगा के देती है अपना। ये इसके एसेसरी हैं और ये अपना पाइप और वैक्यूम पाइप है। ये कि देखिए वेन्यू के अंदर, हम वेन्यू के अंदर सिलेंडर लगा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे क्या क्या काम प्रोसेस हम करेंगे। एक वायरिंग की पूरी अंडरग्राउंड वायरिंग होगी। जो भाई लोग कहते हैं वीडियो के ऊपर ट्रिपल लेयर वायरिंग क्या होती है, तो ट्रिपल लेयर वायरिंग मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल से एक लॉजिक है, सिंगल लेयर, थर्ड लेयर, और उसके ऊपर लगाता है पूरा स्लीव का कवर, तब बनती उसकी जाके ट्रिपल लेयर वायरिंग बनती है। तो वायरिंग के अंदर पहले 2 लेयर आती है, उसके बाद 3rd लेयर आती है स्लिप की, और हम 4th लेयर के अंदर इसमें कन्वर्ट करते हैं, जिसके ऊपर स्लिपी के ऊपर ग्रिपिंग रहती है। हर जगह आप वायरिंग को देख सकते हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। किस हिसाब से यहाँ पे KCNG की स्पॉन्सरशिप, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं। और ये हम लगा रहे हैं इसके अंदर मटेनो किट लगाए हैं और इसका सेटअप बनाएंगे। और गाड़ी आई राजस्थान से, ये राजस्थान से गाड़ी है, मगर गाड़ी है हरियाणा की, मगर आई है राजस्थान से CNG किट लगने के लिए, फ्रॉम KCNG सरोजी नगर मार्केट। इसमें फाइनली गाड़ी के अंदर किट लग चुकी है, आप ये देख सकते हैं फिलिंग बार लगाया मटेनो का हमने, मटेनो का रेड्यूसर है लगाया हुआ, प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ में काम हुआ है। ये मैप की क्लियरिंग देखो, मैप को लगाया है, मीटर गेज हमने मेंशन किया इसके अंदर, इंजेक्टर हमने यहाँ लगा दिया। इंजेक्टर का काम क्या होता है, जो हाई प्रेशर को गैस को लो प्रेशर में कन्वर्ट करके मिनी फोर्ड के बेस में जाए। अंडरग्राउंड हमने काम किया, ओपन कोई भी काम नहीं किया हुआ है। अभी हम इसकी वायरिंग जो डायनेमिक की हम पूरी सेटिंग करेंगे कनेक्टेड करने के बाद, फिर इसकी पैकिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। इधर देखो आप अपना डायनेमिक हमने लगाया K-Gas के नाम से, और ये मटेनो का ACM है। ये गाड़ी के अंदर हमने CNG किट लगा दी है, अभी हम सेटअप बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। फाइनली गाड़ी के अंदर किट हो चुकी है। अब ये वायरिंग का मैंने आपको दिखाया था, पूरी एंड का काम होता है, जो डायनेमिक सेटिंग का एक प्रोसेस होता है वो इस तार के कनेक्टेड होता है, जो कि तार कनेक्टेड करने के बाद डायनेमिक इसको काम कर रही है या नहीं कर रही है, यानी सिर्फ नाम के लिए डायनेमिक लगा दिया है। एक K-Gas की ब्रांडिंग की डायनेमिक है, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ जूमिंग करके, KG लिखा होगा इस पर, मेरा एक खुद की मैन्युफैक्चर है डायनेमिक का। और एक ये पानी चले जाए तक की गारंटी है, जो कोई भी कंपनी आपको पानी की गारंटी नहीं देता। ये पूरी फिनिशिंग करके लगा दी हमने, काम कर दिया आपके रिपोर्ट में, आप ये देख सकते हैं। और मैं हर एक चीज़ आपको मूवमेंट बताता हूँ, क्यों भैया सस्ता काम भी करते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, पैसे लेने के बाद आफ्टर सर्विस भी देते हैं, सिर्फ नाम के लिए सिर्फ आफ्टर सर्विस दिया और काम खत्म। अब आपको सर दिखाऊँगा डिग्गी का अंदर का काम और गाड़ी के अंदर का काम। यह है गाड़ी का स्विच, ये स्विच, ये डिग्गी, ये हमने 12 किलो सिलेंडर लगाए हैं, प्लस के ग्रिप के साथ में लगाया पट्टा, इस इधर भी लगाया, नीचे भी लगाया, प्रॉपर तरीके से सेटिंग के साथ में। गाड़ी का खुद ऑनर पेपर लेके जाएंगे, खुद चढ़वाएंगे RC पे, यानी हमारे यहाँ से भैया किट लगा दिया और काम खत्म। बाकी वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच।